आज इस वीडियो में हम गैफी और उसके पापा को एक मजेदार कहानी पर चर्चा करते हुए देखेंगे। अरे वाह पापा, ये किताब तो बहुत मजेदार लग रही है। हाँ गैफी, इस किताब में बहुत सारी कहानियाँ हैं। क्या तुम सुनना चाहोगी? जरूर पापा। हर कहानी के अंत में कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं, जिनका उत्तर तुम्हें अपनी कॉपी में भी लिखना है। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा पापा। चलो मैं आज इस किताब से तुम्हें राजा अकबर और उनके मंत्री बिरबल की एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन की बात है, राजा अकबर ने अपनी सभा में एक अजीब सा सवाल पूछा, जिससे पूरी सभा के लोग हैरान रह गए। सभी लोग उत्तर जानने के लिए आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि तभी बीरबल अंदर आए और पूछा कि मामला क्या है। अकबर ने अपना सवाल दोहराया। सवाल था, शहर में कितने कौवे हैं? गैफी, क्या तुम इसका उत्तर दे सकती हो? बच्चों, क्या आप शहर में कभी कौवे गिन सकते हो? पापा, कौवे तो बहुत सारे होते हैं, हम उन्हें नहीं गिन सकते। चलो कहानी में पढ़कर पता लगाते हैं बीरबल ने इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया। बीरबल तुरंत मुस्कुराए और अकबर के पास जाकर कहा कि उन्हें इस प्रश्न का उत्तर पता है। उन्होंने कहा, नगर में 21,523 कौवे हैं। बीरबल का उत्तर सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग हैरान हो गए। और जब अकबर ने उनसे यह पूछा कि वह उत्तर कैसे जानते हैं, तब बीरबल ने उत्तर दिया, अपने आदमियों से कौवे की संख्या गिनने के लिए कहे। यदि अधिक मिले तो कौवे के रिश्तेदार उनके आसपास के शहरों से आ गए होंगे। यदि कम है तो हमारे शहर के कौवे शहर से बाहर रहने वाले अपने रिश्तेदारों के पास मिलने गए होंगे। ये उत्तर तो बहुत मजेदार था पापा। हाँ गैफी, चलो आगे पढ़े क्या हुआ। यह उत्तर सुनकर राजा खुश हो गए। खुश होकर उन्होंने बीरबल को एक तोहफा दिया और बीरबल की तारीफ की। बाबा, बीरबल ने बहुत सूझबूझ के साथ अकबर के प्रश्न का उत्तर दिया। बिल्कुल सही गैफी। बच्चों, अब आपकी बारी है स्क्रीन पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर सोचकर अपनी कॉपी में लिखने की। आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी में किसने राजा अकबर के प्रश्न का उत्तर दिया था? बीरबल की बात सुनकर अकबर ने क्या किया? अगर आप बीरबल की जगह होते तो क्या करते? आप अपना उत्तर अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने एक मजेदार कहानी पर चर्चा की।